वहाँ जाके उन्होंने बदायूं की जनता से और सबसे बातचीत की थी, और उस तमाम बातचीत में इतना बड़ा नेशनल लेवल का केस हो गया है, उन्होंने नजीब का जिक्र नहीं किया। तो इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि यहाँ पे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे आंखें मुंह में बैठे हुए हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और अफसोस की बात ये कि किसी जगह सुना था कि किसी का गाय या कुत्ता गुम हो गया था, गाय शायद गुम हो गई थी, तो उसको तो ढूंढ लाया गया, इंसान के बच्चे को ढूंढने के लिए कोशिश। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एस पी एन आई न्यूज। आज अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लापता हुए छात्र नजीब अहमद के बारे में। साल 2016 में नजीब अहमद लापता हुए और इसके बाद से उनका परिवार लगातार जब्त कर रहा है। CBI जाँच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल अपने इस पूरे मामले पर परिवार कहीं ना कहीं नाखुशी व्यक्त कर रहा है। हमारे साथ नजीब अहमद की बहन सदर मुसरत मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पूरे केस पर, और आखिर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और CBI को लेकर उनकी क्या अभी शिकायतें हैं और पूरे मामले को लेकर अभी उनका क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरह से नजीब अहमद लापता हो गए उसके बाद से अभी तक 2 साल हो गए, लेकिन क्या कार्रवाई को लेकर आपके प्रशासन के मामले क्या कुछ हो रहा है हमें बच्चों। 15 अक्टूबर 2016 से और आज जुलाई 26 जुलाई हो गई है। अगर होने की बात करें तो कुछ नहीं हुआ, हम जहाँ पहले दिन खड़े थे आज भी होने की बात, सीबीआई की बात भी कोई थ्रू नहीं है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को जिस तरह से निराश किया, उसके बाद फिर SIT बनी और SIT ने भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने एक अपने आप धारणा कर ली थी कि नजीब किस से गए हैं। हालांकि किसी को मारने पीटने एक दिन पहले दवा को उसके बाद आप इस तरह की धारणा करें तो वो बहुत अफसोस की बात है। SIT के बाद क्राइम ब्रांच ने जो झूठी खबर फैलाई कि नजीब जेल से निकल कर अपने आप से गया और उसे ऑटो वाले ने देखा और वो ऑटो वाले को उन्होंने कहा कि हमें मिल गया है, तो बाद में CBI ने उस झूठी खबर को भी नकार दिया कि ऐसा कोई ऑटो वाला नहीं है और ऑटो वाले ने ये बताया कि उसको प्रेशराइज किया गया था झूठी बात कहने के लिए। और उसके बाद CBI की तरफ से भी ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है और आखिरकार अब CBI ने लास्ट हियरिंग में क्लोजर रिपोर्ट दे रही है कि हमें केस में कुछ नहीं मिला। लेकिन इसमें ये तमाम लोग जो हैं कुछ पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि अगर क्राइम ब्रांच ने झूठी रिपोर्ट पेश की ऑटो रिक्शे वाले की और उसे जामिया में उतरते हुए बताया, तो उनका क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने जामिया में क्यों उतरते हुए बताया और क्यों झूठी रिपोर्ट पेश की। ये उनकी कहते हैं कि ईमानदारी पे सवाल उठता है कि उन्होंने नजीब को बदनाम करने के लिए और नजीब पर केस को दूसरी डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि नजीब का केस किसी तरह से ड्रॉप हो जाए। हालांकि आज तक किसी भी एक भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या किसी ने भी कोई ऐसी चीज़ अभी तक इन्वेस्ट नहीं की है कि जिससे हमको तसल्ली हो कि हाँ केस हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। CBI भी अब उन्होंने हाथ हाथ दिए कि हमें कुछ नहीं मिला, और ये बहुत शर्म की बात है कि उन 9 लड़कों के बारे में CBI जो मोबाइल उन्होंने लिया, उस मोबाइल की उन्होंने फॉरेंसिक जाँच कराने के लिए भेजा और उसको कई महीने, मतलब समझ लीजिए कि 6-7-9-10 महीने होने जा रहे हैं, और उसमें हर बार कुछ ना कुछ के पहले रिपोर्ट नहीं आई 6-7 महीने के 4 महीने के बाद फिर रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि कुछ मोबाइल खुले हैं जिसमें कुछ नहीं मिला और कुछ का पैटर्न नहीं खुला। तो ये उनकी काबिलियत पे थोड़ा सा धब्बा है कि आपसे मोबाइल का पैटर्न नहीं खुल रहा है, बाकी चीज़ें तो छोड़िए कि आप फिर वो फिर आप उस पोस्ट के लायक नहीं, आप CBI सबसे बड़ी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप उसके लायक नहीं है, आपकी उस पर धब्बा है सीरियसली। देखिए, 2 साल तक जितने भी चाहे रिपोर्टर्स हों चाहे कहीं पे भी कोई बात आई तो सिर्फ नजीब को लेकर बात हुई, नजीब के कैरेक्टर को, नजीब कहाँ पढ़ा, नजीब के माँ बाप क्या करते हैं, घर वाले कौन है, इवन हम लोगों तक से पूछताछ की गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज तक किसी भी न्यूज़ एजेंसी या रिपोर्टर या
जो भी इस पे केस पे काम कर रहे हैं उन्होंने उन 9 लड़कों का बैकग्राउंड खंगाला है, वो किसके बेटे हैं, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और उन्होंने नजीब के बैकग्राउंड में तो इन्हें बिल्कुल क्लीन चिट मिली कि वो बचपन से पढ़ता था, टॉपर था, उसका कुछ नहीं मिला। लेकिन इन 9 लड़कों का बैकग्राउंड चेक किया, ये किस बैकग्राउंड से हैं, इनके माँ बाप कौन है, इनकी तरबियत कैसे हुई, किस तरह से परवरिश पाते बड़े हुए हैं कि इन्होंने उस लड़के को बिल्कुल गायब कर दिया है कि 2 साल में हमें उसको कोई पता नहीं मिल रहा, तो उनके बारे में भी तो फोकस किया जाए। 2 साल में उनको बिल्कुल एक तरफ छुपा के रख दिया गया जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके खिलाफ आज तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। जी, विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या लगता है कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय इसका नाम ही एक विश्वविद्यालय है और उसका नाम है अपने आप में, तो इस तरह से जिस तरह से नजीब के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं ये धक्का उन मुस्लिम युवकों के लिए भी है जो एक छोटे से शहर से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत सी माँ के सपने होते हैं। आप बताइए कि सबसे पहले कि विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या भूमिका है। मैं अगर इस पूरे मामले पे देखती हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हें एक मुजरिम करार देती हूँ। देखिए झगड़े या जो भी कुछ होते हैं सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एक्शन लेते हैं। नजीब को रात में मारा गया, इनका सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि ये लोकल गार्जियन को फ़ोन करते। जब वो सफदरजंग तक गया, इतना बड़ा केस हुआ है, जो आप लोकल गार्जियन, आपके पास नंबर था, प्रॉक्टर के पास, वार्डन के पास था, आप लोकल गार्जियन को इन्फॉर्म करते कि ये हुआ है, अगर हमारा लड़का ये गलत था तो हमें तो पता चलता ना, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन दे, दूसरे लड़कों ने इन्फॉर्मेशन दी, रात के 2 बजे माँ को तो पता चला। तो ये जो पूरा सिस्टम है, और उसके बाद जो VC ने 5 दिन तक माँ से मुलाकात ही नहीं की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के नीचे माँ बैठी हुई है, VC वहाँ से गुजर रहा है, प्रॉक्टर गुजर रहा है, रेक्टर गुजर रहा है, उसको वो माँ होती हुई नजर नहीं आई 5 दिन, बेहिसी नहीं है और क्या है। और आप किसी तरह से कैसे आप अपने कंधे झाड़ सकते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इवन जब हम लोग उन लोगों से बात करने गए तो वो बात करने को तैयार नहीं था। बाद में जब हम लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती बात की है तो रेक्टर ने मुझसे खुद कहा था कि कहीं कुछ होता है उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप फिर क्यों उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। चिंतामणि साहब थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो मैं क्यों उसमें, मेरा क्या उसमें रोल है, तो फिर आप उस सीट से हटिए, आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। सवाल सामने आई उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन हिंसा की घटना के साथ से इनकार कर रहा है, उसमें कहा गया कि कोई हिंसा हुई ही नहीं नजीब के साथ, फिर हिंसा की बात ये शायद आपने गलत रिपोर्ट पढ़ी है। प्रॉक्टर ने खुद ये रिपोर्ट दी है कि नजीब को मारा गया था, नजीब के ऊपर पिटाई हुई थी, और वार्डन भी इस बात का गवाह है। जब वार्डन से माँ ने बात की थी कि आपने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया, तो कह रहे हैं कि मैम अगर मैं उसको बचाता तो मैं खुद नहीं बच पाता। 150-200 लोग वहाँ पहुँच गए थे और उसको जिस तरह से मारा जा रहा था, पहले उसको कमरे में मारा, उसके बाद कमरे से बाहर निकाला गया, किसी लड़के ने उसको सेव करने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया, एक लड़का ये कह के कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है गार्ड से, क्योंकि वहाँ कॉमन टॉयलेट होते हैं, तो वो गार्ड से ये कह के ज़बरदस्ती वो घुसा कि मुझे, मैं सिर्फ बाथरूम यूज़ करके आऊँगा, उसने फिर बाथरूम में जाके मारा। और उसके बाद जब गार्ड वहाँ पहुँचते हैं और गार्ड वार्डन पहुँचता है, तो जब वो लेके जा रहे हैं तो उस भीड़ में उसको जिसका हाथ लगा उसने उसे मारा है, ऊपर से नीचे लाते लाते उसकी पिटाई की गई। आप ये सोच लीजिए गार्ड वार्डन सब इस बात पे गवाह हैं, आप झूठ बोल दें तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे पास 23 आई विटनेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और शुरू से जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके पास यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आज कोई मुकर जाता है तो उस टाइम पे हमारे पास है वीडियो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें सरासर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्या लगता है कि जिस तरह से पूरा केस सामने आया तो उसमें राज्य सरकार की भूमिका और केंद्र सरकार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं। मैं बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन टाइम था तो मिस्टर मोदी जो हैं वो बदायूं गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने बदायूं की जनता से और सबसे बातचीत की थी, और उस तमाम बातचीत में इतना बड़ा नेशनल लेवल का केस हो गया, उन्होंने नजीब का जिक्र नहीं किया। तो इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि यहाँ पे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे आंखें मुंह में बैठे हुए हैं और अफसोस की बात ये कि किसी जगह सुना था कि किसी का गाय या कुत्ता गुम हो गया था, गाय शायद आ गई थी, तो उसको तो ढूंढ लाया गया, इंसान के बच्चे को ढूंढने के लिए कोशिश जी। आपसे एक सवाल और, जिस तरह से नजीब के साथ एक छोटे से शहर से जिस तरह मुस्लिम युवक
एक सपना संजो कर वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ करते हैं, सोचते हैं कि बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का सपना संभाल करेंगे, माँ के बहुत से ख्वाब होते हैं, बहुत सपने होते हैं, लेकिन जिस तरह से वाक्य सामने आया, क्या उससे मुस्लिम युवकों में किस तरह के ख्वाब, आपको क्या लगता है कि उन माँ के ख्वाब इनके चुपना चुप हो गए, शायद अब वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे कि मेरा बच्चा चला गया उसके साथ ऐसा आ गया, इससे अच्छा है कि वो उनके पास जब से नजीब का गुस्सा हुआ है, नजीब बदायूं से शायद सिंगल लड़का पहला लड़का था जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएशन में, और मुझे नहीं लगता है कि अब छोटे कस्बों और गांव से लोग जेएनयू की तरफ जो अपने बच्चों को पढ़ने देंगे, और ये कई लोगों के मैंने मुझे सुना इस बात को कि आप जेएनयू नहीं भेजेंगे, मतलब सेफ नहीं है, बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, मैं इसमें सिर्फ जेएनयू को नहीं कहूँगी, दरअसल अब हिंदुस्तान से आप रोड पे निकलते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप कहीं सलामत घर वापस पहुंचे, आप मॉब लिंचिंग देख ही रहे हैं, कोई इंसान घर से निकला अपने कारोबार के लिए, उसका हुलिया अगर आपको अंदाज हो गया, किसी ने आपको बता दिया कि वो किस फॉर्म का है, तो उसको फिर अगर वहाँ आस इस तरह के लोग हैं तो उसका जिंदा घर पहुँचना बहुत मुश्किल है। देखिए यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश तो है ही, सारी बातें वहाँ पे इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अपनी एक सोच रखते हैं और अपनी एक फिकर रखते हैं, पॉलिटिकली तौर पर वो लोग अपने आप को बहुत अवेयर रखते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते हैं, और वहाँ से एक बहुत अच्छी सोच लेकर भी लोग निकलते हैं। इन दो सालों में जो मैंने महसूस किया कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत कम है, अगर कहीं कुछ गलत होता है, मैं चाहे उनके रिलीजन की हूँ या नहीं हूँ, या मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खड़े नजर आएंगे, कहीं भी कुछ होता है वो साथ में खड़े होते हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ नहीं होती है। और देखिए अगर युवा जाग जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो पॉलिटिकली तौर पर बहुत असर पड़ता है, अगर युवा जाग रहा है तो नेताओं की सीट खतरे में है, ऑब्वियसली नेताओं की जो गद्दी संभाले हुए जिनकी क्वालिफिकेशन आप जानते नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो वो ऑब्वियसली उनकी सीट खतरे में है, आप एक यंग जनरेशन अगर सही और गलत को पहचान गए, तो जेएनयू को टारगेट तो किया जा रहा है, तो उसी की एक कड़ी है भी हो सकती है। जैसा कि आपने बताया कि सीबीआई जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने वाली है, तो आगे आप इस केस को क्या देखते हैं, क्या लगता है कि आगे आपके जो नजीब है उसके कुछ आपको कुछ मिल पाएगा, या फिर ऐसे ही बस एक खाना पूर्ति के तौर पर सीबीआई ने जांच की और फिर आप क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, फिर वहाँ पे जो वाक्य है। देखिए बातों तो खत्म नहीं हो सकता जब तक नजीब नहीं मिल जाती, और अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पेश करना चाहती है वो अपनी नाकाबिल शो करेगी, जाहिर बात वो इस लायक नहीं है कि वो इस केस में एक भी क्लू निकाल सके, तो वो करे, उसको जो करना है वो करे, हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हम आगे तक जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं बचा तो फिर हम सड़कों पर बैठे हुए नजर आएंगे जैसे कि नजीब की अम्मी ने किया। तो आपकी क्या कोई दुनिया की क्या आगे जाती है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या दरकार है, क्या मांग है, चाहे सरकार को लेकर बात करूँ या आपकी आगे की लड़ाई को लेकर, क्या आप आगे करने वाली हैं सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पेश करेगी? देखिए सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पेश करेगी तो नजीब की अम्मी ने यही कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊँगी, तो पहला सेंटेंस तो यही था, और जाहिर बात है हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जब नहीं हुआ तो, और गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जो ईमानदार लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पिछली अच्छी है, जो इन्वेस्टिगेशन में ईमानदारी बरत सकते हैं, उन लोगों को पेश किया जाए, और वो लोग हमारे केस को या जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को रखें कि वो इंक्वायरी करें इसकी, और बगैर किसी भेदभाव की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सदक मुशरफ हैं जो कि बताया उन्होंने पूरे केस को लेकर, और साथ ही उन्होंने बताया कि अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है तो आगे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा सकती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात।